हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक मंथ से लेकर छः महीने तक के बच्चे का स्वेटर बनाकर दिखाऊंगी अलग डिजाइन में थोड़ा सा। ये देखिए, मैंने ये बैक साइड बना रखी है, अब मैं फ्रंट बनाऊंगी, थोड़ा सा इससे डिफरेंट होगा तो मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमने बगल यहाँ से घटाए हुए हैं, ये पूरा पोर्शन मैं आपको फ्रंट का दिखाती हूँ बनाकर। बहुत ही सुंदर लगेगा, जैसे स्वेटर के ऊपर हाफ पैंट वाला सेट पहना हुआ है, इस तरह से डिजाइन आएगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए मैंने ये बॉर्डर बना लिया है। ये मैंने 76 फंदे डाले हुए हैं, दो उल्टे दो सीधे का बॉर्डर बनाया हुआ है, और अब मैं इसके बाद उल्टा उल्टा बनाऊंगी। दोनों तरफ से हमने उल्टा उल्टा बनाया है, जैसे देखिए इसमें आपको नज़र आ रहा होगा इस तरह से। ये देखिए, दोनों तरफ से हमने उल्टा उल्टा बुनना है। छोटे बच्चों के अलग अलग डिजाइन के ही अच्छे लगते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो इस तरह आप अलग अलग डिजाइन के बनाइए। आप हमारे चैनल को देखते रहिए, मैं इसी तरह नए नए डिजाइन आपको बताती रहूँगी। छोटे बच्चों के बहुत डिजाइन होते हैं। तो मैं इसी तरह दोनों तरफ से उल्टा बुनते हुए इतना पोर्शन बनाऊंगी, इतना। ये देखिए, ये हमने इतना बनाया हुआ है। ये मैंने 35 लाइनें डाली हुई हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 और 135। यहाँ से हमने फंदे घटाए हुए हैं, तो मैं 35 लाइनें बनाकर फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये इतना पोर्शन बन चुका है, अब आगे क्या करना है। अब मैं ये सीधी तरफ से आधे आधे फंदे करूँगी। ये मैं सीधी तरफ से आधे आधे फंदे करूँगी, यानी कि 38, 38। तो मैं यहाँ से ही दो फंदे घटाते हुए जाऊँगी इस तरह से, एक दो, फिर उल्टे उल्टे बुन लूँगी 38 फंदे होने तक। ये दो मिला के 38 लेने हैं। दो, चार, छः, आठ, दस, बारह, चौदह, सोलह, अठारह,
बीस बाईस चौबीस छब्बीस अट्ठाईस तेईस बत्तीस चौंतीस छत्तीस अड़तीस दो चार छः छः फंदे और बुन के यहाँ से हम टर्न करेंगे। ये देखिए अब हम इधर दो फंदे घटाते हुए जाएंगे, यहाँ से एक दो, फिर पूरी सिलाई उल्टी बुन लूँगी। ये देखिए यहाँ तक हमने बुन लिया है। अब हमने पहले दो फंदे घटाए थे यहाँ से, तो फिर दोबारा से हमने दो घटाने हैं, दो फंदे घटा के फिर सारे फंदे हमने इसी तरह बुन लेने हैं उल्टे उल्टे। इधर देखिए अब और इधर से भी हमने दो फंदे घटाने हैं, तो इस तरह दोनों तरफ से दो दो फंदे घटाते हुए हमने सेंटर में लाना है। दस फंदे हमारे जब रह जाएँ तब हमने आगे की पट्टी बनानी है। तो इसी तरह बुनते हुए दो फंदे इधर से घटाने हैं, दो इधर से घटाने हैं, तो बीच में हमारे दस फंदे रह जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स ये हमारे फंदे घट चुके हैं, ये हमारे दस फंदे अब बचते हैं। ये देखिए दोनों तरफ में दो 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 फंदे करके घटा दिए, तो हमारे ये दस फंदे बचते हैं, इसकी हम बेल्ट बनाएंगे। दो चार छः आठ दस, तो इसको हमने उल्टा उल्टा बुनते हुए इसकी बेल्ट बनानी है। इस तरह की मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए इस तरह की बेल्ट बनानी है। ये देखिए इसी साइज की बनानी है, इतनी ही बड़ी, तो मैं आपको बना के दिखाती हूँ। और दोनों तरफ फंदा उतार कर ही लेना है। देखिए फ्रेंड्स ये हमारी एक तरफ की पट्टी इतनी बन चुकी है। अब मैं धागा निकाल के यहाँ से जोड़ के दूसरी तरफ पर बनाऊँगी। और अब इसी तरह बनाना है जैसे हमने यहाँ से बनाया था, दो दो फंदे घटाते हुए, तो इसी तरह हमें बना के ये पट्टी बनानी है।
दो फंदे घटा दिए, सारे फंदे उल्टे उल्टे बना लूँगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी दोनों बेल्टें बन चुकी हैं। तो अब मैंने आगे क्या करना है कि इस धागे को तो हम निकाल देंगे, ब्लैक वाले को, और दूसरे धागे को हम रॉन्ग साइड से लगाएंगे। ये देखिए, जहाँ से हमने घटाने शुरू करे थे, ये देखिए, ये इस सिलाई से घटाए हैं। तो हमने इससे पहले जो एक सिलाई है, इससे हमने यहाँ से उठाने हैं फंदे। आप चाहे तो धागा लगा के उठा लें, या इसी तरह सिलाई में धागे उठा सकते हैं। जैसे एक तो होता है ना, इस तरह से, इस तरह सारे फंदे भर लें, या फिर धागे को जोड़ लें। तो मैं यहाँ पर धागे को जोड़कर बताती हूँ। ये मैं रॉन्ग साइड से उठाऊंगी, इस तरह से यहाँ पर गांठ लगा दें। जितने फंदे हमारे थे, यानी कि 76 फंदे, तो आपने उतने ही फंदे उठाने हैं। इसी तरह उठाते हुए हम पूरे फंदे यहाँ से उठा लेंगे। ये देखिए, हमने एक ही सिलाई में बिल्कुल इसी तरह सीधे सीधे बिल्कुल फंदे उठाने हैं, जितने हमने बॉर्डर में डाले थे, यानी कि 76 फंदे हमने डाले थे। तो हमने 76 फंदे पूरे इस सिलाई में उठा लिए हैं। तो अब मैं रॉन्ग साइड से रॉन्ग बनाऊंगी और इधर से सीधा बनाऊंगी। ये देखिए, इधर से सीधा बनाऊंगी और इधर से उल्टा बनाऊंगी। जिधर हमारा ये डबल कलर आ रहा है, इधर हमने उल्टा रखना है। इस तरह से मैं दो सिलाइयाँ करके, एक उल्टी एक सीधी, फिर मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। ये देखिए, मैंने दो सिलाइयाँ बना ली हैं, एक उल्टी एक सीधी। अब देखिए आगे क्या करना है कि आधे फंदे हमने यहाँ तक हमने उल्टे उल्टे बुन लेने हैं, क्योंकि हमारी ये उल्टी सिलाई है। तो हमने यहाँ तक आधे फंदे बना लेने हैं। ये देखिए, ये मैंने 38 फंदे बुन लिए हैं और 38 फंदे इधर छोड़ दिए हैं, क्योंकि हमें आगे से बटन पट्टी बनानी है। ये देखिए, मैं इसमें आपको समझाती हूँ। ये देखिए, ये जो पोर्शन है, ये बैक पोर्शन है, पीछे का पोर्शन है, उल्टा पीछे का पल्ला है ये। तो हमने यहाँ पर बटन पट्टी बनानी है।
तो इसलिए हमने आधे फंदे ले लिए हैं और चार फंदे हमने इसमें से और लेने हैं। ये देखिए चार फंदे और लेने हैं, एक दो तीन चार। उसके बाद अब हमने उल्टे उल्टे आठ फंदे की पट्टी बनानी है। आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगे। तो मैं आठ फंदे की पट्टी बनाऊंगी, बटन पट्टी, और उल्टे फंदे बनाऊंगी। पहला फंदा स्लिप किया और सात फंदे उल्टे बुन लूँगी, एक दो तीन चार पाँच छः सात, इस तरह से। बाकी फंदे हमने सीधे सीधे ही बनाने हैं। अब देखिए ये है हमारी बटन पट्टी, इसमें हमने बटन होल बनाना है इस तरह से। पीछे धागा करूँगी और हमारा यहाँ पर आ रहा है बीच में, ये देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर ये हमने बटन लगाना है। पीछे धागा किया और इस तरह से दो का एक कर दिया। अब हमारे दो फंदे उल्टे बचे, वो बुन लिए। उसके बाद हमने सीधे सीधे फंदे बनाने हैं। तो ये हमारा हो गया बटन होल, ये देखिए बीच में आएगा बिल्कुल इस तरह से, ये देखिए यहाँ पर आएगा बटन। तो इसी तरह हमने आगे भी बनाना है बटन होल। इधर वाला जब हम बनाएंगे तो इसमें हमने बटन पट्टी बनानी है इस पोर्शन में। अब देखिए यहाँ से मैं बगल के फंदे घटाऊंगी, तीन दो एक करके। पहले हमने तीन घटाने हैं, एक दो तीन, फिर पूरी सिलाई कंप्लीट करूंगी। अब दो फंदे कटाऊंगी, एक दो, इसके बाद एक फंदा घटाऊंगी और फिर सीधा सीधा बुनूंगी बगल की लंबाई होने तक। उससे पहले मैं आपको गला घटाकर भी दिखाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा इतना बगल घटाने के बाद इतना हमने बना लिया है और ये हमारी पट्टी बन गई है। अब मैं यहाँ से गला घटाना शुरू करती हूँ। तो देखिए ये वाला स्लिप के हुआ फंदा, इसको हम बुन लेंगे। एक दो तीन चार पाँच छः, ये हमने छः फंदे घटा दिए। अब ये पूरी सिलाई कंप्लीट करूँगी,
इसके बाद 5 4 3 2 1 इस तरह घटाते हुए 16 फंदे हमने कंधे पर रखने हैं। तो यहाँ से हमने 16 फंदे कंधे पर छोड़ने हैं, बाकी ये फंदे 6 घटा दिए, 5 4 3 2 1 की अब घटाई करूँगे। अब 5 फंदे घटाऊंगी, 1 2 3 4 5, फिर सीधी सिलाई बुनूंगी। आगे 4 3 2 1 की घटाई करूंगी और इसकी लंबाई पूरी हो जाएगी। घटाने के बाद कुछ सिलाइयाँ और बनानी हैं, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं दूसरा पोर्शन आपको दिखाती हूँ कैसे करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। ये गला बन गया है और ये बगल, यहाँ पर हमने बाजू जोड़नी है और यहाँ पर गले की पट्टी बनानी है। अब मैं दूसरा वाला पोर्शन बना के दिखाती हूँ। इसमें क्या करना है, ये हमने हमारे 34 फंदे हैं, 38 फंदे थे, तो 4 फंदे हमने इधर ले लिए, 4 इधर से लिए, 4 इधर से लिए, तो हमारे ये 8 फंदे की बटन होल पट्टी बन गई है। अब हमने इसके फंदे पूरे करने के लिए 8 फंदे हमने यहाँ से उठाने हैं, यहाँ से 8 फंदे उठाने हैं। ये हमारे 8 38, 4 फंदे हमने इधर से लिए तो 42 फंदे हो गए थे, अब हमारे ये 34 हैं, तो 8 फंदे और इधर से ले लूँगी तो इधर भी 42 फंदे हो जाएंगे। तो देखिए ऐसे हमने ये 2 सिलाइयाँ हमने की थी, तो 2 के बाद ही हमने तीसरी सिलाई से फंदे उठाने हैं। एक 2 3 4 5 6 7 और 1 8, ये देखिए ये हमने 8 फंदे यहाँ से उठा लिए हैं। तो अब हमने यहाँ से ऊन लगा के अब इधर का पोर्शन बनाना है। इस तरह से ये डबल पट्टी हमारी बनती है। धागे को यहाँ से बांध के उल्टी उल्टी सिलाई, क्योंकि ये रॉन्ग साइड है तो हमने उल्टा उल्टा ही बनाना है। Thank you.
ये देखिए सीधी सिलाई पे हमने बुन ली है। अभी हमारे 8 फंदे रहते हैं, इनको हमने उल्टा उल्टा बनाना है। जैसे हमने ये पट्टी बनाई थी इसी तरह हमने बटन पट्टी भी बनानी है, तो ये उल्टी उल्टी ही बनानी है। रॉन्ग साइड से पूरी सिलाई उल्टी बुनी। देखिए फ्रेंड्स, स्वेटर बनके हमारा तैयार हो गया है। और इसमें मैंने गोल गला बनाया हुआ है, ये मैंने पहले भी बताया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।